चचेरे भाई ने दो साथियों के साथ मिलकर की भाई की हत्या। दो दिन से लापता था राजकुमार। पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मेऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें तीन दिन से लापता युवक की मुरूम खदान में लाश मिलने से मामला अंधे कत्ल का सामने आया। लेकिन इस अंधे कत्ल की गुत्थी को पामगढ़ पुलिस ने सुलझाते हुए मृतक के चचेरे भाई और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इस घटना का मुख्य कारण जमीन विवाद को बताया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेऊ गांव से तीन दिन पहले राजकुमार शास्त्री गायब हो गया था। मामले की जानकारी उसकी पत्नी ने पामगढ़ थाना में दी और उसने अपने पति से घर में आखिरी बार बातचीत के दौरान चचेरे भाई अनिल शास्त्री द्वारा फोन कर बुलाने की बात कही। पुलिस को सूचना मिलने की लापता युवक की लाश मेऊ भाटा के मुरुम खदान के पास है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर अनिल शास्त्री की तलाश की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी अनिल शास्त्री ने घटना में अपने दो अन्य साथियों का होना बताया और घटना को अंजाम देने के पहले राजकुमार के साथ मिलकर सभी मुरुम खदान में शराब पीने और उसके बाद राजकुमार शास्त्री को मारना स्वीकार किया। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मेऊ का यह मामला है, जिसमें मृतक राजकुमार शास्त्री की पत्नी धनेश्वरी शास्त्री के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 4 तारीख को लगभग 7:30 बजे से उसका पति घर से बाहर निकला था और उसके बाद से वो घर वापस नहीं आए हैं। जब इसमें पूछताछ की गई तब पता चला कि अनिल शास्त्री, जो कि मृतक का चचेरा भाई है, उसने शाम 4 तारीख को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच उसे फ़ोन करके बुलाया था और उसके बाद जब अनिल शास्त्री को संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की गई, तब उसने घटना का ये बताया कि उसने राजकुमार शास्त्री की हत्या कर दी है। उसने बताया कि 4 तारीख को 7:30 से 8 बजे के बीच उसने फ़ोन करके पहले राजकुमार शास्त्री को बुलाया। इस दौरान उसके साथ उसका एक दोस्त दिलेश पंकज और एक अपचारी बालक भी साथ में था। इन लोगों ने साथ में मिलकर पहले शराब पिया और उसके बाद फिर मौका पाते ही अनिल शास्त्री ने मृतक राजकुमार शास्त्री के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में इन तीनों ने मिलकर उसे मुरुम खदान के पास ही वहाँ दफना दिया। इसमें आरोपियों की निशानदेही पर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष शव उत्खनन की कार्यवाही कर शव को बरामद किया गया, जिसे परिजनों के द्वारा राजकुमार शास्त्री की का शव होना पहचाना गया। मामले में ये पूरी घटना जमीन विवाद को लेकर आपसी रंजिश की वजह से ये कारित की गई है। मामले में इन सभी आरोपियों के खिलाफ 302 और 201 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में उस रॉड को भी जब्त किया गया है, जिससे कि आरोपियों द्वारा उसकी हत्या की गई। मामले में इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।